hello viewers I'm loveka welcome to Lavika classes today I'm going to discuss coding and decoding and in this video I'm going to cover these topics letter coding number coding substitution coding, and symbol coding so start video in video start phele, don't forget to like button share this video and subscribe my channel for more videos let's start the video first of all I'm going to discuss letter coding लेटर कोडिंग करने से पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए अल्फाबेट्स का अल्फाबेट्स का क्या मतलब है जैसे कि आप इंग्लिश में आपको पता है कि ए टू जेड जो होते हैं वो लेटर्स होते हैं तो ए जो है वो कौन से नंबर नंबर पे पे आता है? पे आता है है फर्स्ट बी आपका सेकेंड नंबर पे आता है सी आपका थर्ड नंबर पे आता है अप टू सो ऑन जेड आपका ट्विंटी सिक्स नंबर पे आता है इसकी नॉलेज आपको होनी थोड़ी सी जरूरी है सो so दैट कि आप इजिली कोडिंग और डी कर सके सो so, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको सिखा रखा है कि किस तरीके से आपने लर्न करना है वाया ट्रिक्स उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां जाकर आप पहले सीख लेना कौन सी कौन सा लेटर कौन से नंबर पर आता है देन उसके बाद आप आकर सारे क्वेश्चन सॉल्व इजिली कर सकते हैं सो so, अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी और स्टार्ट करते हैं वीडियो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन इफ फ्रोजन इज डिकोडेड एज ओ एफ ए पी एस जी टेक द राइट ऑप्शन दिपेक्ट मुल्टन रिटर्न इन दिस वे फ्रोजन के लिए आपको डी कोड दिया हुआ है ओ एफ ए पी एस जी और हमें मोल्टन के लिए एक कोड फाइंड आउट करना है सी आपके पास ये ऑप्शन है ओ एफ पी ओ एम एन ओ एफ एस एम पी एन ओ एफ यू एम पी एन ओ एफ यू एन पी एन O, F, U, M, o, N. ये ऑप्शन है गाय जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एफ कौन से नंबर पे आता है आर कौन से नंबर पे आता है वो आपको पता होना चाहिए सो so, जो है हमारा नंबर पे आता है वो हमने लिख लिया देन आर एटीन नंबर पे आता है वो हम लिख लेंगे ओ हमारा फिफ्टीन नंबर पे आता है जेड ट्वेंटी सिक्स नंबर पे आता है ई e हमारा फिफ्थ नंबर पे आता है और एन फोर्टीन नंबर पे आता है सिमिलरली जो आपको डिकोड करके दिया हुआ है वो भी हम ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे ओ जो है फिफ्टीन पे आता है एफ जो है वो सिक्स नंबर पे आता है ए जो है फर्स्ट नंबर पे आता है पी जो है वो नंबर पे आता है एस जो है वो नाइनटीन पे आता है एंड जी आपका सेवन नंबर पे आता है राइट right. तो इसी अब देखिए गैस अब हमें ऐसे देखने में कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से कोड किया गया है लेकिन अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें कुछ समझ आ रहा है सी यहाँ पे एन है एन के बाद क्या आता है ओ यहाँ ई e है ई e के बाद क्या आता है एफ जेड है जेड ए बी सी खत्म हो जाती है देन अगेन से क्या आ जाता है ए उसके बाद ओ ओ के बाद क्या आता है गाइस पी आर के बाद क्या आता है एस एफ के बाद क्या आता है जी लेकिन जो ये आपको गिवन है ना ये रिवर्स में गिवन है सो so, अगर मैं इसका रिवर्स करके देखूं ये देखिए नीचे मैंने उसके लिख दिया ओ एफ ए पी एस जी तो फोर्टीन के बाद फिफ्टीन फाइव के बाद सिक्स आ रहा है ट्वेंटी सिक्स के बाद फर्स्ट आ रहा है ये सब नेक्स्ट नेक्स्ट है इसका मतलब क्या हुआ गाइज इसका मतलब हुआ कि जो ये आपको कोड दिया हुआ है वो रिवर्स करके वर्ड में प्लस वन है रिवर्स द वर्ड एंड प्लस प्लस टू ईच लेटर लेटर हर letter में plus one किया हुआ है सो so, मोल्टन में भी हम ऐसा ही करेंगे पहले रिवर्स कर लेंगे रिवर्स किया तो हमारे पास क्या है रिवर्स करने के बाद उल्टा किया एन के बाद क्या आता है ओ और ई e के बाद क्या आता है एफ ई e के बाद क्या आता है यू एल के बाद आता है एम

सर्टेन के लिए हमें कोड गिवन है बी एफ क्यू यू जेड जे एम और हमें ऑप्शन -E है एल वी एम जेड ओ डी एन टी सी ओ एम बी एफ एन टी ओ सी एन बी एफ एल टी एम सी जेड ओ एफ नन ऑफ डीज ये हमारे, -E हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं सर्टेन को हम लिख लेंगे कि ये किस किस नंबर पर आता है C जो है लेटर जो थर्ड नंबर पे आता है ई फिफ्थ नंबर पे आता है आर एटीन पे आता है टी ट्वेंटी ए जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है आई नाइन पे आता है एंड एन जो है वो फोर्टीन पे आता है सिमिलरली जो कोड करके दिया है कोडेड वो भी हम लिख लेंगे बी इज ऑन टू एफ इज ऑन सिक्स क्यू इज ऑन सेवनटीन एंड यू इज ऑन ट्वेंटी ये नंबर हमने लिख लिए नाउ एम यू एन एन डी ए है उसको भी हम लिख लेते हैं ये कौन कौन से नंबर पे आता है एम थर्टींथ पे आता है यू ट्वेंटी फर्स्ट पे आता है एन फोर्टी पे आता है डी फोर्थ पे आता है ए फर्स्ट पे आता है एन फोर्टी पे आता है और ई e फिफ्थ पे आता है वैसे यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे सी लिखा है और यहाँ पे बी लिखा है मीन्स उन्होंने एक माइनस कर दिया सी में से वन माइनस किया तभी तो बी आया थ्री माइनस वन इज टू और यहाँ देखिए फाइव के बाद सिक्स आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे एक नंबर बढ़ गया आर के बाद यहाँ पे आर है एटीन और यहाँ पे क्यू है आर जो है वो, वो एटीन पे आ रहा है और जो क्यू है हमारा वो सेवनटींथ पे दैट मीन यहाँ पे फिर से एक माइनस हो गया देन टी ट्वेंटी पे आ रहा है और यू ट्वेंटी वन पे मीन ट्वेंटी के बाद एक नंबर इंक्रीज हो रहा है ट्वेंटी वन आ रहा है गैस नेक्स्ट देखिए फर्स्ट है ए uh, जो है वो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है देन यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स लिखा हुआ है दैट ये भी माइनस है उसके बाद 9, 9 के बाद देखिए प्लस वन हो रहा है 10. उसके बाद 14, यहाँ पे पे दैट प्लस एंड माइनस हो रहा है गाइस हम यही करेंगे यहाँ पे अगर हम थर्टीन में से वन माइनस करते हैं ट्वेल्व आता है ट्वेल्व पे हमारा एल आ जाता है देन ट्वेंटी वन में अगर हम वन प्लस करते हैं ट्वेंटी टू होता है ट्वेंटी टू नंबर पे हमारा वी आता है फोर्टीन में से अगर हम वन माइनस करते हैं तो थर्टीन थर्टींथ पे हमारा एम आता है फोर में से अगर हम वन प्लस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है ई e, e क्या ई e, हमारा फिफ्थ नंबर पे आता है अगर अभी हमने यहाँ पे प्लस किया तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे अगर हम यहाँ से ट्वेंटी सेवन में से अगर माइनस करते हैं वन को तो हमारा ट्वेंटी सेवन तो जेड हो गया नाउ फोर्टींथ उसमें हमें प्लस वन करना है फिफ्टींथ आ गया देन ई फिफ्थ नंबर पे फाइव में से वन माइनस कर देंगे फोर आ गया तो हमारा टी होता है

तो ए हमारा इसका राइट right ऑप्शन हो गया ये दो क्वेश्चन मैंने लेटर कोडिंग के डिस्कस किए हैं नाउ अब मैं आपके साथ कोडिंग 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 डिस्कस करूंगी नंबर 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 में क्या होता है यहाँ पे आपको नंबर्स के साथ डील करना होता है आपको नंबर्स के साथ समझना होता है कि कोड क्या गिवन है और उसके बाद आप पहले कोड को समझिए देन उसके बाद आप उसका आंसर कीजिए देखते हैं क्वेश्चन तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे इफ थ्री एट द रेट नाइन टू सिक्स देन वट इज द कोर्ट फॉर पॉल यहाँ पर फोर जो है उसको फोर वन फाइव सिक्स लिखा हुआ है स्वेर को एट सेवन एट टू सिक्स नाइन लिखा है थ्री एट द रेट नाइन टू सिक्स लिखा है और हमें पर्ल के लिए कोड पूछा गया है तो ये हमारे ऑप्शन है फोर टू नाइन एट द रेट सिक्स फोर नाइन सिक्स टू एट द रेट फोर सिक्स नाइन टू एट द रेट फोर नाइन टू सिक्स फोर एट द रेट नाइन टू सिक्स सो गाइस अब हम यहाँ पे क्या करेंगे मैं आपको एक्सप्लेनेशन में ही समझा दूंगी कि क्या क्या हुआ है जो पोर है ना पोर हमारा फोर वन फाइव सिक्स लिखा है पी के लिए आपको फोर गिवन है कोड ओ के लिए आपको वन गिवन है कोड यू के लिए कोड आपको फाइव गिवन है और आर के लिए आपको कोड सिक्स गिवन है सिमिलरली स्वेयर के लिए एस डब्ल्यू ए आर ई के लिए सेवन एट टू सिक्स नाइन कोड गिवन है एस इज इक्वल टू सेवन एंड डब्ल्यू जो है डब्ल्यू के लिए एट गिवन है ए के लिए टू गिवन है आर के लिए सिक्स गिवन है एंड ई e के लिए नाइन गिवन है सो so, क्लियर के लिए जो हमें कोड गिवन है दैट इज थ्री एट द रेट नाइन टू सिक्स ये हमें गिवन है नाउ अब हमें पर्ल चाहिए पर्ल में हमें पी पी मीन्स फोर ऊपर फोर का हमें गिवन था ई e, ई e के लिए कोड फाइंड आउट कर लेंगे ई e के लिए हमें कोड गिवन है नाइन तो हमें नाइन लिख लिया ए के लिए हमें कोड गिवन है टू तो टू लिख लिया एंड आर के लिए हमें कोड गिवन है सिक्स तो हमने वो सिक्स लिख लिया और एल के लिए हमें गिवन है एट द रेट तो इस तरीके से हमने पूरा कोड जो है वो फाइंड आउट कर लिया ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर डी फोर नाइन टू सिक्स का राइट आंसर हो गया होगा ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर इन कोड लैंग्वेज गिव इज रिटर्न एज एट वन जीरो हाउ इज क्रू रिटर्न एन दट कोड लैंग्वेज गिफ्ट जो है उसके लिए कोड गिवन है एट वन जीरो टू थ्री सिक्स एंड बॉन्ड के लिए आपको कोड गिवन है थ्री वन सिक्स वन डबल फाइव क्रू के लिए हमें कोड फाइंड आउट करना है तो आपके ऑप्शन है फोर वन नाइन सिक्स टू फोर फोर टू सिक्स नाइन फोर फोर सिक्स नाइन टू वन फोर फोर नाइन टू सिक्स फोर वन सो गाइज यहाँ पे देखिए जैसे गिव है गिव में जो जी है वो सिक्स नंबर पे आता है आई जो है वो नाइन नंबर पे आता है वी जो है वो ट्वेंटी टू नंबर पे आता है एंड ई e, जो है वो फिफ्थ नंबर पे आता है इस तरीके से हम एक लिख लेंगे पहले फिर देखिए मैंने पे एक टेबल क्रिएट किया है समझाने के लिए गिफ्ट जो है उसमें जी सेवेंथ पे आ रहा है आई नाइन्थ पे आ रहा है वी ट्वेंटी टू पे आ रहा है ई फिफ्थ नंबर पे आ रहा है सिमिलरली बॉन्ड में बी टू पे आ रहा है ओ फिफ्टींथ पे आ रहा है एंड फोर्टीन पे आ रहा है एंड डी फोरथ आ रहा है राइट right? अब देखिए स्टूडेंट्स सेवन में अगर हम प्लस वन कर दे तो वो एट हो जाता है सो मीन्स यहाँ पे एट जो गिवन है वो जी के लिए गिवन है देन आई नाइन है नाइन प्लस वन कर देंगे तो कितना हो जाएगा टेन तो ये टेन जो है वो आई के लिए गिवन है कोड देन वी वी जो है ट्वेंटी टू नंबर पे आता है और उसमें अगर हम प्लस वन कर देंगे तो ये बन गया ट्वेंटी थ्री ये वी के लिए गिवन है कोड एंड ई जो है फिफ्थ नंबर पे आता है उसमें प्लस वन कर देंगे सिक्स तो ये कोड गिवन है

सी जो है वो थर्ड नंबर पे आता है आर एटीन नंबर पे आता है ई फाइव नंबर पे आता है और डब्ल्यू जो ट्वेंटी थर्ड नंबर पे आता है यहाँ पर जब हम प्लस वन प्लस वन करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा फोर नाइनटीन सिक्स एंड ट्वेंटी फोर दीन्स हमारा कोड हुआ फोर वन नाइन सिक्स टू फोर दिस इज ऑप्शन नंबर ए तो ये हमारा ए ऑप्शन है ए इसका करेक्ट आंसर होगा आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ स्पेशल इज रिटर्न एज सिक्स इन अटन कोड स्पेशल जो है वो सिक्सटी फाइव लिखा हुआ है कोड करके एंड वट विल बी द कोड फॉर कनेक्ट कनेक्ट के लिए हमें बताना है कि क्या कोड होगा ठीक है इसके ऑप्शन है सेवेंटी सिक्सटी फोर थर्टी टू सेवेंटी एट सेवेंटी फोर अब देखिए यहाँ पता नहीं है कि लेटर्स बने आप उसको लिख लीजिए तो यहाँ पे कोई ना कोई ट्रिक होगी राइट right? तो हम हम देख लेते हैं क्या है स्पेशल के लिए एस जो है वो नंबर पे आता है पी सेवनटीन पे आता है ई e नंबर पे आता है सी थर्ड नंबर पे आता है आई नाइन पे आता है ए फर्स्ट नंबर पे आता है एल ट्वेल्थ नंबर पे आता है यहाँ से तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या होगा राइट right? अगर पहले हमें इसका कोड समझना पड़ेगा तभी हम कुछ कर सकते हैं सो गाइस सिमिलरली मैंने कनेक्ट का भी लिख लिया कि ये इस नंबर फिर भी हमें कुछ कोड समझ नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं 65 गिवन है या तो हो सकता है इनको प्लस करके गिवन हो या एज इट इज गिवन हो देखो एज इट इज गिवन होता तो बहुत सारे नंबर होते जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है दैट मींस या तो ये प्लस करके गिवन है या मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके अगर आपको ना समझ आए तो आप सबसे पहले ऐड करके देखिए अगर आप ऐड करके आपका आंसर सही आ जाता है दैट मीन्स ठीक है अदरवाइज आप मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइड कीजिए कोई भी आप ऑपरेशन उसमें लगा सकते हैं क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में कोई आपको बता नहीं सकता क्योंकि जो भी मेरे ब्रेन में चल रहा है मैं उसको वो प्लस कर रहे हैं नाइनटीन प्लस सेवनटीन प्लस फाइव प्लस थ्री प्लस वन प्लस ट्वेल्व जब हमने इनको को प्लस किया तो हमें मिला सिक्सटी फाइव तो हमें समझ आ गया कि कनेक्ट के लिए भी हमें प्लस करना है जितने भी है लेटर्स हैं इन सबको हमें प्लस किया तो हमें मिला सिक्सटी सेवेंटी फोर और सेवेंटी फोर तो जो था वो ऑप्शन में था ऑप्शन e, है इसका तो ऑप्शन e हमारा करेक्ट आंसर हो गया वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सभी इसका फायदा उठा सके नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ जे इज कोडेड एज ट्वेंटी एंड बैट इज कोडेड एज फोर्टी सिक्स देन हाउ विल क्रिकेट बी कोडेड ऑप्शन है इसके 142, 138, 158 125. तो यहां पर जे जो है वो हमारा टेंथ नंबर पे आता है राइट right? जे नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पे तो 20 गिवन है इसका मतलब कुछ और कोड होगा यहाँ पे राइट बैट बैट में बी टू नंबर पे आता है ए वन नंबर पे आता है और टी ट्वेंटी पे आता है तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं कुछ डिफरेंट लग रहा है चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी फिर आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा जे जो है वो टेन नंबर पे आता है राइट right? लेकिन हमें ट्वेंटी अगर हम टेन को टू से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें ट्वेंटी मिल जाएगा दैट इन्होंने क्या किया है जो कोड है उसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया राइट right? तो ये ट्वेंटी बन गया सिमिलरली बैट है बैट टू नंबर पे आता है ए वन नंबर पे आता है टी ट्वेंटी नंबर पे आता है अब हमने इन सबको ऐड कर लिया जब हमने इन सबको ऐड कर लिया तो हमें मिला ट्वेंटी थ्री जैसे कि वहां पे हमने टू से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ट्वेंटी को जो, तो जो कोड है पहले उसको टू से प्लस किया पहले उस कोड को प्लस करके टू से मल्टीप्लाई किया है राइट देन सिमिलरली क्रिकेट के लिए हमारा थर्ड नंबर पे आता है आर एटीन आई जो है नाइन नंबर पे आता है सी अगेन थर्ड नंबर पे आता है कि 11 नंबर पे आता है वो मैंने ट्रिक बताई थी ना किंग्स 11 ईफस e नंबर पे आता है टी जो है 20 इतना नंबर पे आता है दैट मींस उसका सम टोटल हुआ 69 69 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गॉट 138 और 138 ऑप्शन में है दैट इज ऑप्शन नंबर सी तो सी इसका राइट right आंसर हो गया आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन भी अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन What will be the code for India एज a beautiful country? India is a beautiful country के लिए आप कोड बताने आपके ऑप्शन हैं फोर टू थ्री फाइव फाइव टू वन नाइन सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स थ्री फाइव फोर सेवन ई ऑप्शन है टू थ्री फोर तो गैस ऐसे तो हमें समझ नहीं आ रहा है ये क्या गिवन है ये जो नंबर गिवन है उससे ही कुछ रिलेटेड होगा ना सो so यहाँ पे अभी अगर हम वो देखें कि आई नाइन नंबर पे आता है या इस तरीके से तो वो भी हम सोच सकते हैं आई नाइन नंबर पे आता है एन फोर्टीन नंबर पे आता है डी बट ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में डिफरेंट तरीके से है सीखा है इंडिया में लेटर काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव इंडिया जो है उसमें फाइव लेटर्स हैं एस में टू लेटर हैं ए में वन लेटर है ब्यूटीफुल में नाइन लेटर्स हैं कंट्री में सेवन लेटर हैं

राज इज एक्साइटेड अबाउट द पार्टी सिलेबस वाज आप इसको ऑप्शन से भी कट कर सकते हैं like, यहाँ पे अभी जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में जो बताया वही ट्रिक है यहाँ पे भी वेकेशन में कितने लेटर्स हैं वी ए सी ए टी आई ओ एन एट लेटर्स हैं इन में टू लेटर्स हैं और इटली में थ्री लेटर्स है मीन एट टू एंड थ्री ये तो ऑप्शन में है ही नहीं ये ऑप्शन कट हो गया देन हमारे पास बचे लास्ट ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं सेलेबस इज वॉस सिलेबस में एस वाई एल एल ए बी यू एस उसमें भी एट हैं वो भी ऑप्शन में नहीं है तो वो भी हमारा ऑप्शन कट हो गया नाउ वी हैव ऑप्शन ऑप्शन एंड फर्स्ट जो है उसमें -E सी लिखा है उसमें थ्री लेटर्स हैं तो यहाँ पे थ्री है तो मे बी हो सकता है बी ऑप्शन हो देन लाइक जो है उसमें एल आई के ई डी इसमें फाइव लेटर्स हैं हो सकता है ये हो बिकॉज इसमें फाइव लेटर है थ्री फाइव हमें मिल रहा है देन टी एच ई द्री लेटर है लेकिन यहाँ पे सेवन लिखा है थर्ड ऑप्शन दैट इज ताज के लिए थ्री है बिल्कुल सही महल एम एच ए एल फाइव है राइट वहां पर फाइव मिल रहा है लोकेटेड में एल ओस ए टी डी सेवन लेटर्स है और वहां पर भी सेवन है राइट right? अभी तक हमारा ये ऑप्शन मैच कर रहा है इन में टू लेटर्स है और वहां पे भी टू है आगरा में फोर लेटर है और वहां पे भी फोर है दैट मीन्स यही हमारा आंसर है ताज में थ्री लेटर्स हैं महल में फाइव लोकेटेड में सेवन इन में टू आगरा में फोर दैट मीन इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है समझ आ रहा है ना कहे समझ आ रहा है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को क्वेश्चन नंबर टेन एन दिस क्वेश्चन देयर इज अ वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर विद वन लेटर अंडर फॉर ईच लेटर इन दैट देयर इज अ कोड रिटन

और यहाँ पर जो आपको ये गिवन है ना वन टू थ्री फोर फाइव ये सेम ऑर्डर में नहीं गिवन लेकिन ये आपको एक हिंट गिवन है राइट और आपका जो आंसर है ना आंसर आपका ऑप्शन में ही है एन जी पी एफ सी आपके ऑप्शन है इसमें ही आपको कोड मिलेगा एफ के लिए राइट समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन क्या है तो आपको मैं समझाती हूँ एक टेबल के थ्रू एफ एल आई ई एस मैंने नंबर लिख दिया वन टू थ्री फोर फाइव लेकिन ये सेम ऑर्डर में नहीं है ये हमें समझना पड़ेगा एफ जो है सिक्स नंबर पे आता है एल ट्वेल्थ नंबर पे आता है आई नाइन्थ नंबर पे आता है ई e फिफ नंबर पे आता है एस हमारा नाइनटीन पे आता है राइट right? और एन जो है वो फोर्टींथ नंबर पे आता है ऑप्शन में लिख रही हूं जी सेवन नंबर पे आता है पी जो है वो सिक्सटीन पे आता है एफ जो है वो सिक्स नंबर पे आता है एन सी थर्ड नंबर पे आता है राइट ये हमने लिख लिया अब यहां पे देखिए Uh, कुछ थोड़ा सिमिलर अगर हम दे यहाँ पे देखिए एफ है और यहाँ पे सेवन है तो हो सिक्स प्लस वन करके आपको सेवन दे रखा हो देन ट्वेल्व है ट्वेल्व के बाद आपको फोर्टीन प्लस टू भी हो सकता है और नाइन के बाद माइनस थ्री भी हो सकता है सिक्स फाइव के बाद सिक्स नहीं कुछ बना नहीं राइट तो इसका मतलब कुछ और है अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट नंबर पे हमारा लिखा है सिक्स सिक्स लिखा है फर्स्ट नंबर पे और नेक्स्ट uh, नंबर पे अगर हम देखें यहाँ पे लिखा है नाइन और यहां पे लिखा है नाइनटीन अभी भी कुछ नहीं बन रहा राइट right? तो ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया क्या करें है ना यहाँ पे आपने क्या करना है आपने ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस देखनी है और इवन नंबर ऑफ प्लेसेस देखनी है जैसे ऑड प्लेसेस पे आपका क्या लिखा है एफ आई एंड एस मीन्स फर्स्ट नंबर पे एंड थर्ड नंबर पे एंड फिफ्थ नंबर पे फर्स्ट नंबर पे आपका एफ लिखा है थर्ड नंबर पे आपका आई लिखा है एंड फिफ्थ नंबर पे आपका एस लिखा है राइट right? उसमें क्या करना है ध्यान से देखिएगा यहाँ पर एक टेबल के थ्रू आपको समझाती हूँ एफ जो है वो सिक्स लिखा था नाइन और नाइनटीन यहां पर माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री किया हुआ है देखिए सिक्स माइनस थ्री एस थ्री मीन्स हमें सी मिला उसके बाद नाइन माइनस थ्री इज सिक्स हमें एफ मिला नाइनटीन माइनस थ्री सिक्स इज हमें पी मिला एफ के साथ क्या है सी आई के साथ क्या है एफ एस के साथ क्या है पी लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कंफर्म करने के लिए हमें इवन प्लेसेस भी देखनी पड़ेंगी तो ये आ गई हमारी इवन प्लेसेस इवन प्लेसेस क्या है एल और ई मीन्स सेकेंड नंबर पे हमारा एल है और फोर्थ नंबर पे हमारा ई e है उसके लिए भी एक टेबल है एल ट्वेल्थ नंबर पे आता है ई फिफ्थ नंबर पे आता है राइट right? यहाँ पे प्लस टू कर दो ट्वेल्थ प्लस इज फोर्टींथ फोर्टींथ है एन के लिए कोड फाइव प्लस टू इज सेवन तो यहाँ पे जी आ गया तो मीन्स ऑड में आपको क्या करना है माइनस थ्री करना है और इवन में आपको क्या करना है प्लस टू करना है राइट right? तो इसका आंसर आ गया एफ के लिए हमें पूछा गया था दैट इज सी तो हमारा इसका आंसर है ई e. पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है ताकि आप अच्छे से समझ सके कोड को क्या है यहाँ पे आपको लेटर गिवन था एक फ्लाइज वर्ड और देयर इज अ अड रिटर्न ऑल्सो इट इट इज डिनोटेड बाय इधर वन टू थ्री फोर फाइव लेकिन ये जो कोड है वो एक्जैक्टली exactly मैच नहीं होगा कंडीशन से तो हमने क्या ऑर्ड लेटर में से थ्री पोजिशन हम बैक गए और इवन लेटर में हमें टू पोजिशन फॉरवर्ड हमने किया तो हमारे पास आंसर आ गया ऑर्ड नंबर आपका एफ वन एस था शिफ्ट किया हमें बैकवर्ड गए पीछे गए माइनस थ्री किया तो हमें आंसर मिला और इवन नंबर में हम अगर फॉरवर्ड गए तो हमें आंसर मिला तो अंडरलाइन वर्ड जो हमारा एफ था उसके लिए जो कोड हमें मिला है, वो मिला है है वो सी तो इसका ऑप्शन जो है वो ई e ई था ऑप्शन e इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट नेक्स्ट है सब्सटीट्यूशन कोडिंग यहाँ पर आपको पहले अच्छे से कोड समझ लेना है जो कोडिंग में लग रहा होगा वो सिमिलरली दूसरी कोडिंग में लगा है यहाँ पे थोड़ा कोड जो होता है वो बड़ा होता है तो आपको पहले अच्छे से कोड को देखना है देन आपको कंपेयर करना है कोड्स को और आपको कोड जो है वो फाइंड आउट करना है फाइंड आउट करने के बाद आपको वही कोड जो आपसे पूछा गया उसमें सब्सटीट्यूट करना है चलिए क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन के साथ हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या ये मेथड है और किस तरीके से हमें इसे करना है सो so, क्वेश्चन है इफ रैट इज डॉग रैट अगर डॉग है डॉग इज मैंगूज डॉग जो है वो मोंग है और मोंगूज जो है वो लायन है तो लायन इज स्नेक इज एलिफेंट विच इज रेयर एज पिट तो आपके ऑप्शन है रैट डॉग मोंगूज लायन और स्नेक देखिए इस अगर हम फर्स्ट को कंपेयर करें फर्स्ट और सेकंड को तो फर्स्ट और अगर हम सेकंड को कंपेयर करते हैं तो किस तरीके से दिया है रैट जो है हमारा डॉग है रैट इक्वल टू डॉग डॉग इक्वल टू मोंगूस मॉन्गूस इक्वल टू लॉयन लॉयन इक्वल टू स्नेक स्नेक इक्वल टू एलिफेंट क्लियर हुआ तो इसका मतलब जो डॉग है उसे ही हम पेट, तो डॉग को इन्होंने क्या बोला गया है मोंगूस तो इसका आंसर क्या हो गया मोंगूस तो so इसका सी ऑप्शन इसका राइट right आंसर है आंसर सी ऑप्शन नेक्स्ट एफ पेन इज टेबल पेन टेबल है टेबल इज फैन फैन इज चेयर एंड चेयर इज रूफ ऑन विच ऑफ दिट अब देखिए बैठता है चेयर पे बैठता है और चेयर को, को इन्होंने क्या बोला है रूफ बोला है तो इसका आंसर यहीं से हमें समझ आया आंसर क्या है रूफ है फैन टेबल है टेबल फैन है फैन चेयर है चेयर रूफ है और पर्सन किस पे बैठता है चेयर पे चेयर को इन्होंने क्या बोला है रूफ तो रूफ इसका क्या हो गया राइट right आंसर तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इफ बुक बुक कॉल्ड वॉच को क्या बोला गया है वॉच वॉच इज कॉल्ड बैग वॉच को बैग बोला गया है बैग इज कॉल्ड डिक्शनरी और बैग को डिक्शनरी बोला गया है डिक्शनरी इज कॉल्ड विंडो डिक्शनरी को विंडो बोला गया है विच इज यूज टू कैरी द बुक्स तो बुक्स हम किस में कैरी करते हैं बैग में कैरी करते हैं और यहाँ पर बैग को क्या बोला गया है वो हमें फाइंड आउट कर देना है ऑप्शन है डिक्शनरी बैग बुक वॉच एंड नन ऑफ दी ठीक है बैग में हम बुक्स कैरी करते हैं ना तो यहाँ पे बैग इज इक्वल टू बुक इज इक्वल टू वॉच वॉच इज इक्वल टू बैग बैग इज इक्वल टू डिक्शनरी तो यहाँ पे बैग को क्या बोला गया है डिक्शनरी बोला गया है दैट मीन्स डिक्शनरी इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर है तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट इफ ट्रेन इज कॉल्ड बस ट्रेन को बस बोला गया है बस इज कॉल्ड ट्रैक्टर ट्रैक्टर इज कॉल्ड कार कार इज कॉल्ड स्कूटर स्कूटर इज कॉल्ड बाइसिकल बाइसिकल इज कॉल्ड मोक्ड विच इज यूज टू फ्लो द फील्ड अब किस चीज को फ्लो करने के लिए काम में लाया जाता है तो वैसे तो हमें पता है ट्रैक्टर होता है लेकिन ट्रैक्टर को यहाँ पर क्या बोला गया वो हमें अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे आपको थोड़ी जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए ट्रेन बस ट्रैक्टर कार नन ऑफ दिस ये हमारे ऑप्शन है अब हमें पता है कि ट्रैक्टर को यूज किया जाता है फील्ड को प्लो करने के लिए बट यहाँ पर ट्रैक्टर को क्या बोला गया यहाँ पे ट्रैक्टर को बोला गया है ट्रेन इज इक्वल टू बस बस इक्वल टू ट्रैक्टर ट्रैक्टर इक्वल टू कार देखिए यहाँ पे ट्रैक्टर को क्या बोला गया है कार बोला गया है तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा कार हमारा आंसर होगा यानी डी ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द क्लाउड इज कॉल्ड वाइट क्लाउड को क्या बोला गया है व्हाइट व्हाइट इज कॉल्ड रेन और रेन इज कॉल्ड ग्रीन ग्रीन इज कॉल्ड एयर एंड एयर इज कॉल्ड ब्लू ब्लू इज कॉल्ड वॉटर वेयर विल द बर्ड्स फ्लाई बर्ड्स कहाँ फ्लाई करते हैं एयर में फ्लाई करते हैं अब हमें यहाँ पे ये सर्च करना है कि यहाँ पे एयर को क्या बोला गया है तो आपके ऑप्शन है एयर क्लाउड व्हाइट ब्लू नन ऑफ दीज तो क्लाउड इज इक्वल टू व्हाइट व्हाइट इक्वल टू रेन रेन इक्वल टू ग्रीन ग्रीन इक्वल टू एयर एयर इक्वल टू ब्लू एंड वॉटर इक्वल टू ब्लू इक्वल टू वॉटर बर्ड फ्लाई इन एयर बर्ड्स कहां फ्लाई करते हैं एयर में हेयर एयर इज

बाय करेक्ट ऑर्डर टू फोर सेक्स मीन बाई माई कुकीस और आपको कोड बताना है करेक्ट के लिए ऑप्शन है आपके टू तो यहाँ पर क्या आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा फर्स्ट हम फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को अगर कंपेयर करते हैं तो यहां पर लिखा है पेस माय ऑर्डर पेस माय ऑर्डर और नेक्स्ट में लिखा है बाय करेक्ट ऑर्डर 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 दोनों में सेम है और नंबर भी दोनों में सेम है इसका मतलब जब हमने फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर किया तो हमें मिला नाइन स जो ऑर्डर वर्ड है उसके लिए आपको कोड गिवन हैली हमने सेकेंड एंड थर्ड को कम्पेयर किया बाई करेक्ट ऑर्डर एंड बाय कोके बा जो था वो कॉमन था और हमें बाय के लिए कोड फाइंड आउट करना था बाय के लिए जब हमने कम्पेयर किया दोनों में बाय कॉमन है और दोनों स्टेटमेंट में फोर भी कॉमन है तो हमें बाय के लिए कोड मिल गया फोर अब उस स्टेटमेंट में क्या बचा उस स्टेटमेंट में हमारे पास बचा सेकेंड सेंटेंस के अंदर सेकेंड uh, स्टेटमेंट के अंदर बचा एट एट जो है वो हमारा करेक्ट के लिए कोड बच गया है राइट एट फोर नाइन था फोर हमें पता चल गया कि फोर्थ uh, जो है हमें पता चला बाय के लिए है और नाइन हमें पता चला ऑर्डर के लिए है तो अब रिमेनिंग क्या बचा एट एट किसके लिए हो गया करेक्ट के लिए तो यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी

और ये जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको क्या करना पड़ता है आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कोड को कि आपको क्या कोड गिवन है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं पिटना सोम उसके लिए आपको गिवन है ब्रिंग मी वॉटर ना टोड ना जो टोड मीन्स वॉटर इज लाइफ मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर हम कम करें ए और बी को तो हमें कुछ पता चलेगा ये आपके ऑप्शन है जो ना टोड लिन एक्सप्लेन करके ही बताती हूँ जैसे आप फर्स्ट और सेकेंड को आप कंपेयर करते हैं तो वहां पे देखिए आपको ना कॉमन मिल रहा है एन ए ना दोनों में और वाटर भी आपको दोनों में कॉमन मिल रहा है दैट इन ए एंड बी कॉमन वर्ड इज वॉटर कॉमन वर्ड क्या है ना ना के लिए कॉमन एक और वर्ड है वॉटर तो दैट मीन्स ना इज इक्वल टू वॉटर बी एंड डी स्टेटमेंट के अंदर जो कॉमन वर्ड है वो है जो जो एंड द कॉमन वर्ड इज लाइफ दैट मीन्स जो इक्वल टू क्या हो गया लाइफ तो अब हमें हमें किसके लिए कोड चाहिए था इसके लिए अब हमें इस देखना है कि इस किसके लिए होगा अभी देखिए अभी हमने अभी हम देखते हैं अपनी स्टेटमेंट को स्टेटमेंट में देखिए टोड लिखा हुआ है ना जो टोड उसका मतलब वाटर इज लाइफ अब हम पता चल गया जो ना है वो तो वाटर के लिए है, है ना और जो जो है वो किसके लिए है लाइफ के लिए है तो क्या बचा इज बचा इस किसके लिए होगा इस हमारा होगा तो के लिए तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी सी इसका राइट आंसर है नाउ गाइस आई एम गोइंग टू डिस्कस सिंबल कोडिंग सिंबल कोडिंग क्या होती है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ यहाँ पे आपको सिंबल्स मिलेंगे एट द रेट हो गया परसेंटेज हो गया डॉलर सिंबल हो गया इस तरीके के सिंबल होंगे उसमें नंबर्स में मिक्स होंगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन इन सर्टेन कोड स्टार इज रिटर्न एज फाइव डॉलर एस्ट्रिक टू एंड डॉलर थ्री टू एट द रेट हाउ इज ओथ रिटर्न इन दैट कोड ऑप्शन है आपके थ्री एस्ट्रिक फाइव डॉलर थ्री एस्ट्रिक डॉलर फाइव थ्री डॉलर एस्ट्रिक फाइव थ्री फाइव एस्ट्रिक डॉलर स्टार जो है उसे लिखा गया है फाइव डॉलर एस्ट्रिक टू टोर को लिखा गया है डॉलर थ्री टू एट द रेट आपको टेबल क्रिएट कर लेंगे जैसे कि स्टार एस जो है फाइव है एस के लिए टी के लिए डॉलर गिवन है ए के लिए आपको एस्ट्रिक गिवन है आर के लिए आपको टू गिवन है देन टी के लिए आपको अगेन डॉलर गिवन है ओ के लिए आपको थ्री गिवन है आर के लिए आपको टू गिवन है और ई के लिए आपको एट द रेट गिवन है तो ओट्स निकालना है ओ के लिए थ्री है 3 आ गया A के लिए फाइव है, e, है, है तो दैट मीन आंसर बना थ्री एस्ट्रिक डॉलर फाइव तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एफ प्लस मींस माइनस एस्ट्रिक मीन्स मॉडुलस मीन्स प्लस तो आपने फाइंड आउट करना है टू मॉड्य सिक्स राइट तो यहाँ पे गाइस टू टू के बाद लिखा है मॉडुलस को बोला गया है प्लस देन लिखा है सिक्स सिक्स के बाद है एस्ट्रिक एस्ट्रिक को बोला गया है देन लिखा है सिक्स सिक्स के बाद क्या है मॉड्युलस मॉड्यूल को बोला गया प्लस उसके बाद लिखा गया टू तो दैट मीन हमारे right? यहाँ डिवाइड करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सिक्स डिवाइड बाई स्लस एज इट इज नाउ अब हमारे पास इक्वेशन बनगी टू प्लस वन प्लस टू तो ये तो सिंपल एड ही करना है टू प्लस वन इज थ्री थ्री प्लस टू इज फाइव तो ये आपका आंसर आ गया फाइव

थ्री तो यहाँ पे भी एक इक्वेशन बन जाएगी guys. 294, B को बोला गया है डिवाइड का सिंबल आ जाएगा सिक्स माइनस क्योंकि ए को माइनस बोला गया है थर्टी सी को प्लस बोला गया है थर्टी वन डी को एस्ट्रिक बोला गया देन फोर तो इक्वेशन बन गई टू नाइन फोर डिवाइडेड बाय सिक्स माइनस थर्टी प्लस थर्टी वन मल्टीप्लाई बाय फोर अगेन यहाँ पे बोर्ड मास अप्लाई होगा टू नाइन को डिवाइड करेंगे सिक्स के साथ जब हम टू नाइन फोर को सिक्स से डिवाइड करेंगे तो वी गॉट फोर्टी नाइन माइनस प्लस के अकॉर्डिंग ही डिवाइड के बाद हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो थर्टी वन मल्टीप्लाई बाय फोर हम लिखेंगे वन ट्वेंटी फोर देन फोर्टी नाइन माइनस थर्टी प्लस वन ट्वेंटी फोर एक इक्वेशन बन जाएगी Guys, उसके बाद बोर्ड मार्क के अकॉर्डिंग हम प्लस करते हैं तो 129 प्लस 49 124 प्लस 49 124 और 149 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा और -30 Then, 173 और माइनस एज इट इज देन 173 सेवेंटी थ्री माइनस थर्टी जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 143 वही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है 143 आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हैं वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलेगा सो so दैट कि आपको अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे ही मिलती रहे आपकी हेल्प हो सके थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय मिलती है नेक्स्ट वीडियो में